सूरज, ये जलती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जो हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूरज के बिना धरती पर जीवन नहीं होता। ये हमें रोशनी और गर्मी देता है जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। सूरज हमारे ग्रह का सबसे नजदीकी सितारा है, लेकिन फिर भी ये हमसे बहुत दूर है। ये धरती से लगभग 90 करोड़ मील दूर है, इसलिए ये आसमान में इतना छोटा दिखता है, जबकि असलियत में ये बहुत विशाल है। सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा धरती समा सकती है। ये ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ब्रह्मांड के दो सबसे हल्के एलिमेंट्स हैं। सूरज एक तारा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रात में आसमान में देखते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत करीब है, इसलिए ये इतना चमकदार दिखता है। सूरज एक पीला बौना तारा है, जिसका मतलब है कि ये एक छोटा और ठंडा तारा है। भले ही ये एक बौना तारा है, फिर भी सूरज बहुत बड़ा है। इसका व्यास लगभग 8,65,000 मील है। ये धरती के व्यास से 100 गुना से भी ज्यादा है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है। यही कारण है कि सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूरज अपने जीवन काल के आधे रास्ते पर है। ये लगभग 4.5 अरब साल से चमक रहा है और ये आगे लगभग 5 अरब साल तक और चमकेगा। सूरज एक प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा पैदा करता है, जिसे परमाणु संलयन कहते हैं। संलयन तब होता है जब हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में धरती तक पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जानवर, जिनमें इंसान भी शामिल हैं, फिर पौधे या दूसरे एनिमल्सों को खाते हैं जिन्होंने पौधे खाए होते हैं। इसका मतलब है कि धरती पर सारा जीवन ऊर्जा के लिए आखिरकार सूरज पर ही निर्भर करता है। सूरज धरती की जलवायु और मौसम के तरीकों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूरज की ऊर्जा जल चक्र को चलाती है, जो बारिश, बर्फ और अन्य प्रकार की वर्षा के लिए जिम्मेदार है। भाग 4, मानव इतिहास में सूरज। इंसान हमेशा से ही सूरज से मोहित रहे हैं। प्राचीन सभ्यताएं सूरज को भगवान मानकर उसकी पूजा करती थी। उन्होंने सूरज को सम्मान देने के लिए मंदिर और स्मारक बनाए। उन्होंने सूरज की गतिविधियों के आधार पर कैलेंडर भी बनाया। 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज धरती के। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। आज वैज्ञानिक सूरज की संरचना, उसके व्यवहार और धरती पर उसके प्रभाव के बारे में और जानने के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे आधुनिक टेलीस्कोप्स और अंतरिक्ष यान हैं जो सूरज को विस्तार से देख सकते हैं। भाग 5, सूरज आश्चर्य का एक स्रोत। सूरज एक अद्भुत वस्तु है जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी का स्रोत है। ये आश्चर्य और प्रेरणा का भी स्रोत है। सूरज हमें ब्रह्मांड की विशालता और शक्ति की याद दिलाता रहता है। यहां सूरज के बारे में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। सूरज की सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फारेनहाइट है। सूरज के केंद्र का तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फारेनहाइट है। सूरज के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूरज लगातार आवेशित कणों की एक धारा उत्सर्जित कर रहा है, जिसे सौर हवा कहते हैं। सूरज हमारे सौर मंडल और हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये एक आकर्षक वस्तु है जिसके बारे में हम आज भी सीख रहे हैं।